खबर आजमगढ़ से है, जहां नगर पंचायत नामांकन में आजाद समाज पार्टी काशीराम सोफिया खातून ने नामांकन किया। आजमगढ़ मार्टिनगंज में नगर पंचायत नामांकन प्रक्रिया में आजाद समाज काशीराम पार्टी सोफिया खातून पत्नी आरिफ खान ने सहयोगियों के साथ पर्चा दाखिल किया। उनके समर्थन में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। राजनीतिक दल में रहे हैं और लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, अपने ही परिवार को एक सदस्य को यहाँ नगर पंचायत मार्टिनगंज में चुनाव प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं, आज नामांकन हुआ है, बताने की कृपा करें क्या है, कैसे है। हम लोग का तो पिछले 30-40 साल से बहुत सक्रिय राजनीति हम लोग की है और क्षेत्र में काफ़ी हम लोगों ने विकास किया, प्रदेश में भी बहुत जगह हम लोग जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी हम लोगों ने मदद किया। तो हम लोग 5 साल प्रधान थे, गाँव का विकास जाके देखिए, पता कर लीजिए, किसी को मतलब 700 ने वहाँ पे शौचालय बनवाया, 100 से ऊपर मकान बनवाया, रोड जहाँ देख लिए, जो 50 साल तक जो काम नहीं हुआ तो उस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। नगर पंचायत नहीं बनी है, सुफिया खातून वहाँ 5 साल से प्रधान रह चुकी थी, इस वजह से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी से, क्योंकि सभी दल को देखा गया है जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश में दलित समाज को लेकर और तमाम समाज को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह उनके ऊपर जहाँ भी मसला पड़ रहा है कोई नहीं जा रहा, बहुजन समाज पार्टी तो अंडरग्राउंड हो चुकी है, मतलब कहीं भी किसी समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद वहाँ पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी विचार विश्रम किया और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है उससे हम लोगों ने पर्चा दाखिल करने में आपकी कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पर्चा दाखिल हो रहा है, कोई समस्या नहीं हुई है और क्षेत्र में एक अलग मैसेज जाएगा, हम लोग सभी लोगों को लेकर चलने वाले, विकास करने वाले, काफी विकास किए हैं इसलिए जनता आपका सहयोग करेगा, तो हम लोग सभी को सम्मान करेंगे और आजाद समाज पार्टी भी सबका सम्मान करती है और मैं उम्मीद रखता हूं कि जनता मार्टिनगंज के हम लोग को प्यार देगी, मोहब्बत देगी, क्योंकि मैंने हम लोग बिना किसी पद पर रहते हुए अपने गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पास करवाया, जल्द चालू होने वाला है, बजट में गया था, इस बार नहीं हो पाया, तो हम लोग बगैर पद पर रहते हुए कई हमने कार्य किया है सरकार से लेकर योजनाओं का गांव में, इस वजह से हम लोग को उम्मीद है अगर हम लोग को मौका दिया मार्टिनगंज की जनता ने, अगर हमें मौका दिया तो इस मार्टिनगंज में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ जरूर आएंगी, 5 साल में मार्टिनगंज एकदम जगमगा जाएगा। ठीक, धन्यवाद। इनके समर्थन में आए हैं जी, इनके समर्थन में दो कड़ी बताने की कृपा करें। जैसा कि आरिफ साहब की पत्नी है सुफिया बानो, इनको आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम और भीम आर्मी के बैनर तले इनके ऊपर विश्वास और भरोसा करके टिकट दिया है, अपना सिंबल दिया है और इस विश्वास और उम्मीद के साथ दिया है, ये सबको लेके चलेंगे। जैसा कि आप देखते होंगे कि तमाम पार्टियां जो हैं वो जातिवाद के नाम पे वोट लेते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक नारा दिए हैं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसके तहत हम सारे समाज को साथ में लेके चलेंगे, ना कि हम समाज के नाम पे वोट लेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त उनका जो है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जिसके भी साथ अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, जो भी परेशान किया जाता है उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भारत में चलते हैं और जाते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, चाहे वो 100 नंबर आपकी चलती है यूपी गवर्नमेंट की, 112 नंबर उसको फ़ोन करते हैं लोग और भीम आर्मी के लोगों को फ़ोन करते हैं, 112 नंबर से पहुंचने से पहले भीम आर्मी के पदाधिकारी हर जगह, चाहे वो किसी भी समाज का दबा कुचला हुआ हो, उसके साथ कोई उत्पीड़न होता हो तो वहाँ भीम आर्मी के लोग पहुंचने का काम करते हैं। इस उम्मीद के साथ इनके ऊपर भरोसा जताया गया है और मार्टिनगंज की जनता से हमको सिर्फ ये कहना है कि आप जाति से हट के एक अच्छे समाज भाईचारा, जिससे हमारा भारत जो है आज के 30-40 साल पहले कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है, उसको बनाने का काम किया जाएगा सोने की चिड़िया का, और अगर मौका दिया यहाँ की मार्टिनगंज की जनता ने तो सुफिया बानो जो है यहाँ पे विकास की धारा बहाएंगी और सबसे पहली बात जो भी जिसके साथ, चाहे वो किसी भी समाज का हो किसी भी जात का, उसके साथ अगर उत्पीड़न होता है, जोर जबरदस्ती होती है, बलात्कार होता है, कुछ भी होता है, तो ये सुफिया बानो और उनकी जो हस्बैंड है आरिफ साहब ये पहुंचने का काम करेंगे, उनके साथ साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। शुभ नाम सर। मेरा नाम अब्दुल्ला खान। ठीक, धन्यवाद। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।